এলগিন রোডে ব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় চার্জশিট দিল কলকাতা পুলিশ। 220 পাতা চার্জশিটে ধৃত বিমল শর্মার বিরুদ্ধে খুন, অপহরণ, লুট সহ একাধিক অভিযোগ করা হয়েছে। কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি পার্থপ্রতিম ঘোষের সঙ্গে। পার্থপ্রতিম, 220 পাতা চার্জশিট জমা হয়েছে, আর কি জানা যাচ্ছে এই চার্জশিট সম্পর্কে? গত ফেব্রুয়ারি মাসে ভবানীপুরের স্বর্ণ ব্যবসায়ী শান্তিলাল বৈদ্যে খুনের ঘটনা ঘটে এবং সেই খুনের ঘটনায় আলিপুর কলকাতা পুলিশের হোমিসাইড শাখা তদন্তে রাজশাহীতে চার্জশিট জমা দিয়েছে এবং সেই চার্জশিটে যে বিষয়টা উল্লেখ করা হয়েছে এই ঘটনায়, তুমি জানো ইতিমধ্যে যে উনি অভিযুক্ত ছিলেন বিমল ওরফে বীর শর্মা, তাকে কিন্তু ঘটনার কলকাতা পুলিশ এবং তাকে বর্তমানে নিজের কাস্টডিতে রেখে রাখা আছে তিনি, এবং যে বিষয়টা বলা হচ্ছে পুলিশের তরফ থেকে চার্জশিটে যে পুলিশ কিন্তু কাস্টডি ট্রায়াল চালাতে চায় যে তখন এই ঘটনাটি। পার্থপ্রতিম, স্পষ্টভাবে তোমার কথা শোনা যাচ্ছে না, আমরা পরে আবারও তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করে নেব। আরও একবার জানিয়ে রাখি যে এলগিন রোডে ব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় চার্জশিট দিল কলকাতা পুলিশ। 220 পাতা চার্জশিটে ধৃত বিমল শর্মার বিরুদ্ধে খুন, অপহরণ, লুট সহ একাধিক অভিযোগ করা হয়েছে। পাঞ্জাবের মানসায় কংগ্রেস নেতা ও সঙ্গীত শিল্পী সিধু মুসেওয়ালার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সামনে এলো নতুন তথ্য। পুলিশ সূত্রে খবর, সিধুর গাড়ি ঘিরে ধরে গুলি চালায় আততায়ীরা। গাড়ির সামনের কাছে 14টি গুলির চিহ্ন রয়েছে, বনেটে মিলেছে 3টি গুলির চিহ্ন, এছাড়াও সামনের আসন গুলিতে একেবারে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয়। सिटी पुलिस स्टेशन के अंदर खड़े हैं और वो कार दिखा रहे हैं जिस कार के ऊपर हमला हुआ था जिसमें सिद्धू मूसेवाला ट्रेवल कर रहे थे। आप गोलियों के निशान जो है बिल्कुल फ्रंट शीशे पे देख सकते हैं, आप कितनी गोलियां लगी हैं ये हम जरूर गिनने की कोशिश करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 गोलियों के निशान जो है वो फ्रंट शीशे पे दिख रहे हैं। इसके अलावा हमला कितना तीखा था, किस तरीके के वेपन यूज किए गए हैं उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कार का जो बोनेट है बिल्कुल जो मेटल है लोहे का है उसको छेद करती हुई गोलियां जो है, इसके निशान जो है 3, 1, 2, 3, 14 गोलियां जो है गोलियों के निशान जो है शीशे के ऊपर दिख रहे हैं। 15, 16, 17 जो है निशान हमने काउंट किए हैं। इसके अलावा इस सीट के ऊपर बैठ के सिद्धू मूसेवाला जो है ड्राइव कर रहे थे तो इस साइड पे जो है गोलियों के निशान जो है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। 18, 19, 20, 21, 22 गोलियों के निशान फिलहाल हमने काउंट किए हैं। इसके अलावा 2 गोलियों के निशान यहाँ 23, 24 ये 24 गोलियों के निशान जो है इस तरफ हमने काउंट किए हैं जहां सिद्धू मूसेवाला की एक गाड़ी जो है और अंदर से इस गाड़ी के हालात आप देख सकते हैं, इस पूरी की पूरी गाड़ी में जो है सिर्फ खून ही खून जो है नजर आ रहा है। उनके साथ सिद्धू मूसेवाला के साथ 2 उनके साथी थे जो इंजर्ड हुए हैं, जो घायल हुए हैं और सिद्धू मूसेवाला की हमले में मौत हुई है। जो दूसरी तरफ की सीट जो है जहां पे ड्राइवर के साथ वाली सीट जो है उसकी तरफ भी गोलियों के निशान, चौतरफा हमला इसको हम कह सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, एक गोली का निशान जो है यहाँ है और शीशे के ऊपर जो साइड मिरर है उसके ऊपर भी गोली के निशान जो है वो देखे जा सकते हैं। इसके अलावा जो जहां पे साइड पे लेफ्ट जो ड्राइवर साइड के बिल्कुल साथ में जो सीट है उसके साथ जो है इस दरवाजे पे 1, 2, 3 गोलियों के निशान, तो 27 हमने उधर काउंट किए हैं तो आप देख सकते हैं कि गोलियों के निशान कहां से, एक गोली का निशान जो है यहां बिल्कुल ये जो स्टीयरिंग है उसके पास दिख रहा है, एक गोली का निशान यहां बिल्कुल साइड में जो है यहां दिख रहा है, एक गोली का निशान यहां दिख रहा है और एक गोली का निशान दूसरी तरफ जो है इस स्टीयरिंग के दूसरी तरफ जो है वो दिख रहा है।